1903 में द राइट ब्रदर्स ने पहली बार एयरक्राफ्ट बनाया और इसके बाद दुनिया एविएशन सेक्टर में बहुत ही आगे निकल चुका है। हम ज़्यादातर लोग प्लेन में ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। दुनिया अभी 4.5 जनरेशन से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना रहा है। वॉर सिनेरियो से लेकर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट तक हम सभी चीज़ में बहुत ही एडवांस्ड हो चुके हैं और इसमें फ्यूल में हम एविएशन फ्यूल का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम सच में इतने एडवांस्ड हैं? क्योंकि प्राचीन वेद में तो कुछ और ही लिखा है और यकीन मानिए ये आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो कहीं मत जाइए, आज का एपिसोड में है कुछ ऐसा कि आप लोगों का होश उड़ जाएगा। तो मैं हूँ देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। कई हजारों साल पुराने हमारे संस्कृत वेदों में लिखा है कि भगवान स्वर्ग से पृथ्वी पर आते थे, लेकिन सवाल था कि कैसे। प्राचीन हिंदू वेदों के मुताबिक वहां पर देव देवियों के आने के लिए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का नाम लिया गया था, जिसको कहा जाता था विमाना, जो कि अभी आज के दिनों का एक मॉडर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग सॉसर का एक कॉम्बिनेशन की तरह दिखता था। ये ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री और यहाँ तक कि एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट तक भी जाने के लिए कैपेबल था। हम सभी जानते हैं कि भगवान स्वर्ग से नीचे धरती पर आते थे। एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक जिसे हम भगवान कहते हैं वो धरती पर आने के लिए ऐसे ही किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर ऐसा लिखा हुआ है। इस विमाना के बारे में हर एक संस्कृत हिंदू रिलीजियस बुक्स में बहुत बार मेंशन किया गया था। रामायण और महाभारत से जाना जाता है कि ये विमाना आज के एयरप्लेन की तरह रनवेज का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि ये वर्टिकली टेक ऑफ करता था। आप इसको अभी के F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर से भी कंपेयर कर सकते हैं। और इसका शेप सर्कुलर होता था और इसका शेप सिमिलर था एक फ्लाइंग सॉसर से। प्राचीन रिलीजियस बुक्स में इस विमाना के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था, लेकिन उस बुक्स में एक बुक बहुत ही खास था, वैमानिका शास्त्र, जिनको लिखा था महर्षि भरद्वाज ने। इस बुक में महर्षि भरद्वाज ने विमाना के बारे में एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया था। इसमें बताया गया था विमाना चार तरह के होते थे, शकुना विमाना, शूद्रा विमाना, त्रिपुरा विमाना और रुक्मा विमाना। इस बुक में इसके प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में और इसके स्पीड के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि कैसे ये विमाना इनविजिबल हो जाते थे और इसमें वेपन्स भी लिखा हुआ होता था। और कोई भी बैटलफील्ड में ये विमाना आज के फाइटर एयरक्राफ्ट का ही रोल प्ले करते थे। साइंटिस्ट ने इन एयरक्राफ्ट के मॉडल को बनाकर उसको विंड टनल में एरोडायनेमिक टेस्ट किया था, ये देखने के लिए कि क्या ये एयरक्राफ्ट का शेप सच में एरोडायनेमिक था। लेकिन टेस्ट करने के बाद देखा गया कि वो एयरक्राफ्ट का मॉडल टेस्ट पास कर गया था, यानी वो एंशियंट एयरक्राफ्ट सच में उड़ सकता था। बहुत सारे संस्कृत रिलीजियस बुक में लिखा गया था कि ये विमाना के प्रोपल्शन सिस्टम में मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता था। और आप लोग ये सुन के चौंक जाएंगे कि इसी टेक्नोलॉजी के बारे में नासा अभी रिसर्च कर रहा है, जिसे कहा जाता है आयन थ्रस्टर, जो कि सोलर एनर्जी से पावर लेकर मर्क्यूरी पार्टिकल्स को चार्ज करके थ्रस्ट को जनरेट करता है, जिसके वजह से स्पेसक्राफ्ट स्पेस में आगे बढ़ पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रोजेक्ट में नासा अभी काम कर रहा है वही काम हजारों साल पहले ही एंशियंट हिंदू सिविलाइजेशन ने ऑलरेडी कर दिया था। तो आज का ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को देखकर आप क्या कहेंगे कि हम साइंस में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं?
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस कोप के साथ।